साथियों, गीता के माध्यम से भारत ने देश और काल की सीमाओं से बाहर पूरी मानवता की सेवा की है। गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व के लिए है, जीव मात्र के लिए है। दुनिया की कितनी ही भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, कितने ही देशों में इस पर शोध किया जा रहा है, विश्व के कितने ही विद्वानों ने इसका सानिध्य लिया है। ये गीता ही है जिसने दुनिया को निस्वार्थ सेवा जैसे भारत के आदर्शों से परिचित कराया। नहीं तो भारत की निस्वार्थ सेवा, विश्व बंधुत्व की हमारी भावना, ये बहुतों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होती। आप देखिए, कोरोना जैसी महामारी दुनिया के सामने आई, उस समय जैसे पूरा विश्व इस क्षेत्र से अनजान था, एक अननोन एनिमी था, दुनिया तैयार नहीं थी, मानव तैयार नहीं था, और वैसे ही स्थिति भारत के लिए भी थी। लेकिन भारत ने खुद को भी संभाला और विश्व की सेवा भी के लिए भी जो भी कसर कर सकता है पीछे नहीं रहा। दुनिया के देशों को दवाइयां पहुंचाई, जरूरत जिन सामग्री की थी उसको पहुंचाया। आज दुनिया के कई ऐसे देश जिनके पास वैक्सीन के लिए साधन संसाधन नहीं थे, भारत ने उनके लिए बिना किसी बंद अनुबंध और शर्त के, कोई शर्त नहीं, हमने वैक्सीन पहुंचाई। वहां के लोगों के लिए भी ये सेवा किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं है, उनके लिए ये अलग ही अनुभव है। साथियों, इसी तरह दूसरे देशों के भी जो लोग दुनिया में अलग अलग जगह फंसे थे, भारत ने उन्हें भी सुरक्षित निकाला, अपने उनके देश पहुंचाया। इसमें भारत ने नफा नुकसान का कोई गणित नहीं लगाया। मानव मात्र की सेवा को ही कर्म मानकर भारत ने यह कर्तव्य निभाया। जब दुनिया के लोग, विश्व के नेता इसे भारत द्वारा की गई सहायता बताते हैं, भारत के प्रति मुझे धन्यवाद देते हैं, तो मैं कहता हूं कि भारत के लिए ये सहायता नहीं, संस्कार है। भारत की दृष्टि में ये महानता नहीं, मानवता है। भारत सदियों से इसी निष्काम भाव से मानव मात्र की सेवा कैसे करते आ रहा है, ये मर्म दुनिया को तब समझ आता है जब वो गीता के पन्ने खोलती है। हमें तो गीता ने पग पग पर यही सिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी बिना फल की चिंता किए निष्काम भावना से कर्म करते रहो। गीता ने हमें बताया है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिम आप्नोति नैष्ठिकीम, अर्थात फल या लाभ की चिंता किए बिना कर्म को कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से करने में ही आंतरिक शांति होती है। यही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा अवार्ड है।